global advertiser for innovative outdoor solution. जी सर, आपको भी भाई, जितनी ये हमारी पिक्चर है उतनी आपकी पिक्चर है। जी मैं बहुत बड़ा जंगली हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, इस पिक्चर में मुझे कास्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि इनको सबसे जंगली इंसान चाहिए था, रणवीर सिंह फ्री नहीं था तो ये मेरे पास आ गए। और फिर एक लंबी खामोशी। ओके, हमारी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कास्टिंग कितनी मुश्किल थी आपके लिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि सारी आपको जंगली चाहिए, तो आपने साथी को ढूंढा, तापसी को ढूंढा और बाकी जो कास्टर को ढूंढा, तो आपके लिए कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, साकिब तापसी को ढूंढना नहीं पड़ा था क्योंकि हमने एक वीडियो किया था साथ में, और उस वीडियो में आई सॉ दैट केमिस्ट्री विच वॉज रियली मैजिकल एंड आई एक्चुअली बिलीव कि ये लोग फ्रेंड्स हैं दिल्ली से, बट आफ्टर द शूट, तीन दिन के शूट के बाद मुझे पता चला कि अरे कितने अच्छे एक्टर हैं, ये सेट पे ही मिले थे, तो इनकी केमिस्ट्री जो थी ना वो सी एज अ डायरेक्टर एज अ फिल्म मेकर आई अंडरस्टैंड नेचुरल केमिस्ट्री। दो एक्टर्स के बीच में एक होता है कि आप ऑन कैमरा ऑन हुआ, आपने केमिस्ट्री देखा, आपने एक्टिंग की, और फिर बाद में इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देवर लाइक ग्रो आउट वेरी नेचुरल विद ईच अदर, सो दैट वाज द बेस्ट कास्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर कास्ट हैं, निधि सिंह, अभिलाष, आई एम द हीरो ऑफ द मूवी, इनके अलावा और भी हैं, आयशा है, सृष्टि हैं, ये सभी को मैंने एक एक करके चुना, चुन के ढूंढा, फिर इन्होंने उनके किरदारों को पिरोया और सुई धागे की तरह हीरो को मिलाकर ये देखिए, यू नो इन माय फिल्म आवाज इतनी भारी क्यों जाती है, दूर लग रहा था मैं इसलिए। अच्छा, मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर्स है ना वो सब मेरी रियल लाइफ से हैं, सो द स्टोरी इज नॉट ऑफ कोर्स, बट जितने कैरेक्टर्स हैं जब लिखे थे तो वो सब किसी को सोच के लिखा था कि वो कैरेक्टर ऐसा है, तो जब मैं ऑडिशंस भी कर रही थी तो आई ऑलवेज हैड दोज फ्रेंड्स इन माई हेड कि वो ऐसे बोलते हैं, वो इस तरीके के थे, वो थोड़े बहुत इस तरीके के देखने में थे, चाल ढलंग है, सो सेम चीज आई हैव पुट इनटू माय एक्टर्स। अच्छा, यू हैव पुट इन, मतलब एक्टर तो कुछ किया ही नहीं ना, मतलब सबको चाहते हैं एक्टर को, यार ये ना आई एम नॉट लाइकिंग, आई एम नॉट हैप्पी, I'm actor, I'm also an actor, यार, you don't think I'm an actor, इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो रहा है यार, मैं इंटरव्यू पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं, आप तो बेइज्जती कर रहे हो यार, तो इतना रियल बना रहा है, मैंने तो वही लगता था, ये तो सही में रियल लाइफ लवर्स लगता है, फीडबैक देख लीजिए, सब लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, देखिए दिल इतना बड़ा है क्या करें, दिल जंगली है, और तापसी हो, निधि हो, सारे हो, मेरी डायरेक्टर हो, मेरे दोस्त हो, तो दिल तो जंगली होना ही था। आपने सुना होगा दिल पागल होता है, दिल बच्चा होता है, दिल दीवाना होता है, बट हम आपको अब बता रहे हैं दिल जंगली होता है एक्चुअली, वो सब था वो हटा दो, अब दिल जंगली ही रहेगा। बट जंगली की बात करें ना, जब जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू में आप इतने सारे कमेंट्री, मतलब ऐसा लग रहा है कि लग रहा है कि शूटिंग कर रहा है, अच्छा मजा, मतलब बहुत फीडबैक मिला, बहुत एनर्जी दिया, शूट में क्या इतना ही सब था? ये तो कम है, ये तो बहुत ये कम है, हमें रोकना पड़ गया था, मतलब लंदन की पुलिस आ गई थी हमें पकड़ने कि भैया हेलो, ये लंदन है, ये इंडिया नहीं है, इतना जंगलीपन यहाँ मत करो तुम, मतलब हमने आतंक फैलाया वहाँ पे जाके कि जैसे शूट करना है वैसे, लंदन की पुलिस भी जब आई, जब तक उन्होंने इंग्लिश में बोला मैं समझ नहीं आया, चार्टे पढ़ने शुरू तब समझ आया कुछ गलत कर रहा है, तो आलिया बोले एक्शन है, अब आलिया बोले कट, वी वर ऑलवेज ऑन, बट आई हैव टू से दैट हमने ना, हमारी पिक्चर में एक गाना है जो हमारा अगला गाना है मेरे ख्याल से दिल जाने ना, वो हमने लंदन की स्ट्रीट्स पे गाना शूट किया है, गुरिल्ला स्टाइल शूटिंग की है हमने, हमारे पास परमिशन नहीं थी वो गाना शूट करने की, बट हमने एक कैमरा लिया, मैं मुझे और तापसी को लिया, और हम बस रोडों पे घूमते घूमते हमने वो गाना शूट किया है, एंड आई हैव टू से आई एम सो प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग, इट विजुअली लुक्स सो गुड, और कोई भी ये देख के वो नहीं कह पाएगा ये जो हमने जंगलीपन उस गाने में किया है कि इसके लिए इनके पास परमिशन नहीं थी, मतलब वी वर नॉट प्लान्ड फॉर दैट शूट, वी वर एक्चुअली नॉट प्लान्ड कि कहाँ पे देखा म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, तो इम्प्रॉम्प्टो साकिब तापसी वहाँ पे कुछ जाके इंटरेस्टिंग कुछ कर दो, एक तो आलिया का पैसे कुछ कर दो, अब एक्टर समझता है सोचता है कुछ का क्या मतलब होता है, तो फिर हमने ना कुछ की डेफिनेशन निकाल ली कि जंगली बना मचा दो,
इसका कुछ का मतलब है वहां जाके म्यूजिशियंस के साथ डांस कर लो, सड़कों पे लेट के नाच लो। आलिया को बहुत पसंद है ये चीजें, पहले बता दो, लगता नहीं होगा इनकी डिमीनर से। तो बेसिकली गोरिल्ला शूट का स्टाइल नहीं था, दो गोरिल्ला थे शूटिंग चली थी, तो उन्होंने कहा गोरिल्ला शूटिंग, हमारे पास परमिशन सारी थी, कैमरा लगाया, गोरिल्ला छोड़ दिए दोनों। जी काफी अलग से किरदार जो नजर आ रहे हैं जी, कैरेक्टर का नाम है सुमित उप्पल, और मैं ये आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन टेलिंग यू दिस कि मुझे, मैं इस कैरेक्टर से ना बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, बिकॉज कि बिकॉज ऑल्सो पहली बार लाइफ में मेरे ऐसा हुआ है कि मैं एक दिल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, मेरी पैदाइश वहीं वहाँ की है, मेरी जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है वो दिल्ली से की है। ये जो लड़का है सुमित उप्पल, जिससे आप जिसको पोस्टर में देख रहे हैं, एक जिम ट्रेनर है, और मुझे तो लगता है मैं जिम में ही पैदा हुआ था, मैं 24 घंटे जिम में ही रहता हूँ। इसकी एस्पिरेशन है कि इसको हीरो बनना है, एक्टर बनना है, और मैं एक एक्टर बन चुका हूँ। सो व्हेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट, और वो लाजपत नगर में बड़ा हुआ है दिल्ली में, ठीक है, और मैं भी लाजपत नगर में ही बड़ा हुआ, तो एक सेंस ऑफ कनेक्ट था कि यार इस लड़के, अगर ये मैं नहीं हूँ बट मैं इस लड़के को एटलीस्ट जानता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो इस कैरेक्टर को प्ले करने में हुई वो ये थी कि ही इज़ नॉट योर कन्वेंशनल फिल्म हीरो, ये वो हीरो नहीं है कि जो हमेशा सही करता है, कि ये वो कैरेक्टर है, ये हीरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो गलतियां भी करता है, और उसकी गलतियों की वजह से कुछ रेपरकशन होते हैं। तो जब हम ये स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, मैं आलिया से बोल रहा था, मैंने कहा यार आलिया ये बहुत गलतियां करता है यार, एक हिंदी फिल्म का हीरो इतनी गलतियां करके भी अपने आप को रिडीम ना कर पाए तो ऑडियंसेस उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो आलिया ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि यू हैव टू प्ले हिम विद चार्म, यू हैव टू, बिकॉज जो ये कैरेक्टर है इसका कोई फिल्टर नहीं है, जब भी कुछ बोलता है जो इसके दिमाग में आता है बोल देता है, बट आपको उसमें एक इनहेरेंट चार्म डालना पड़ेगा सो दैट द ऑडियंस इज ऑलरेडी लाइक यू। सो वो मैं और आलिया लगे रहते थे अपने बीच में ही कि यार इसको ना, इसको थोड़ा सा और क्यूट बना दे, इसको थोड़े से और मजे से बोल दे, इसको ऐसा कर दे, क्योंकि सेकेंड हाफ में इसका ये कनेक्शन है। सो आई थिंक टू फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर, आलिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो क्रेडिट दे रहा हूँ, देखो सुन लो, तो शी इन अ वे She is the one who's made this character with me. I am not going to take the whole credit for it. But मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यार मैं बड़े टाइम के बाद ना बहुत खुल के एक्टिंग की है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने इस पिक्चर में नहीं किया है, चाहे वो एक्शन करा लो, गाने गवा लो, मुझे ना बड़ा ये हवा हवाई बॉम्बे टॉकीज डिशुम में ना, मैं मुझे लग रहा था यार मैं गाने ही नहीं गा रहा हूँ यार, मैं बाही नहीं फैला रहा हूँ यार, हीरो बनना है मुझे, क्योंकि दिल्ली से हो, देखो भाई क्या होता है दिल्ली में, हीरो का मतलब होता है गाना गाना, सिंपल लॉजिक है। तो मुझे लगा यार अब मैं गाने ही नहीं गा रहा हूँ इतनी पिक्चर में, तब ये मेरे हाथ में पिक्चर रही कि जिसमें इन्हें बोला कि इसको तो हीरो बनना है, मैंने कहा डन डन पिक्चर इज ओके फॉर मी। किसकी किसकी लुक की? हाँ तापसी जी, आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ना मेरे रियल लाइफ से हैं। यार एक सेकंड यहां देखो हल्का सा, तापसी और आलिया की लुक अभी देखो, 1 सेकंड देखो, और प्रिंट देखो। सो ये जो कोरली नायर का कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, फर्स्ट हाफ वाला वो आलिया है, वो आलिया है, वो आलिया है। तो जवाब मिल गया आपको सवाल का, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, जो कैरेक्टर है ना तापसी का, वो शी इज अ पर्सन हु लव्स टू बी इन लव, ऐसा कैरेक्टर है उसका। और मेरी लाइफ में आई हैव मेट लॉट ऑफ गर्ल्स एंड इंक्लूडिंग मी, आई डोंट हैव शेम इन। अंधेरा क्यों हो गया भाई? कंटिन्यू करना है कि कट करना? कंटिन्यू करना है, कट करना है भाई। एक बार सवाल पूछ लो, सो वी विल स्टार्ट वो तापसी के कैरेक्टर। तापसी के कैरेक्टर, अच्छा आप दिख भी रहे हो तो लाइट पीछे दिख रही है, ये सही होगा नहीं? या स्टार्ट। सो जस्ट द तापसीज कैरेक्टर, सो तापसीज कैरेक्टर जो उसमें द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग नो इज, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आई हैव मेट इन माय यंगर इयर्स हु आर माय फ्रेंड्स स्टिल, एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई आल्सो हैव बीन अ पर्सन हु लव्स टू लव, यू नो, या आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, सो लव स्टोरीज पढ़ना एंड बीइंग इन कॉर्नर एंड रीडिंग पीपल मेक फन ऑफ यू। बीइंग इन कॉर्नर एंड रीडिंग मतलब?
अरे यार यू रीडिंग अ मिल्स एंड बून्स और समथिंग लाइक दैट पीपल मेक फन ऑफ यू रियली सो या सो बट आई ऑलवेज थॉट दैट व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड द चार्म दिस होल आइडिया ऑफ हैविंग द करेक्ट गाय इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग सो दैट इज व्हाट तापसी'स कैरेक्टर इज अबाउट बट हैविंग सेड दैट आई एम एग्जैक्ट आई एम एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट आई एम सुपर एंबिशियस हेयर स्टाइल देखो सेम डिटो और ये देखो कैरेक्टर देखो एक है जो मिल्सन बून भाई प्रशांत जो है वो लाजपत नगर का लड़का है और कई दोस्त होते ना अपने जो मतलब भाई ने अगर गलत भी करते ना तो भाई सही है मतलब भाई तूने मार दिया ना सही मारा सही मारा चल तो फिजिकली भले ही कोई बहुत सपोर्ट नहीं कर सकता इसको लेकिन मॉरली पूरा सपोर्ट करता है और वो भी कई दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं अच्छा सुनना यार तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था वो कई बार कह देते हैं अपने दिल की बात लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है प्रशांत की हुई है एस्पिरेशन लॉटरी की पता है क्या है लोग बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना प्रॉपर्टी डीलर बनना है तो प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है लाइफ में और इसका भाई यही है सुबह तुप्पल जो पूरे टाइम जिम में रहता है और ये भी इसका जिम में टाइम स्पेंड करता है बट उस जिम में रहने से प्रशांत की बॉडी कभी नहीं बन पाती इसका लाइफ में मला ले है। भी करता है ये बाइसेप्स नहीं मैं जिम में ज्ञान देता हूँ क्या चाहिए आपको एब्स चाहिए ना क्रंचेस मारना भाई फिर ऐसे से वाले ये डील साइन बता के हाँ तो वो है भाई प्रशांत का कैरेक्टर एंड मी बीइंग अ रेडियो जॉकी आई ऑलवेज मैं हमेशा माइक फेस किया मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया सो इट वॉज अ बिल्कुल ही अतरंगी एक्सपीरियंस सो दिस गाय एंड तापसी पन्नू तेरे सामने मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कह सकता फिर साकिब बोलेगा भाई ये कैमरा तेरे पे था ही नहीं मेरे ऊपर था तो फिर पता लगता है क्लोज अप लगेगा तो तब फैलो उसके बाद सो दैट्स हाउ आई हैव शॉट द एंटायर थिंग एंड जबरदस्त एक्सपीरियंस भाई भाई मेरे रियल लाइफ में ऐसे ही दोस्त मतलब दोस्तों सेट पे भी आ गया था मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो बचपन से मतलब आई थिंक जब से हम 12-13-14 साल के हैं तब से साथ हैं और आज भी साथ हैं हम ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ही रहते हैं उसका नाम है मैडी हम उसको प्यार से मैडी बुलाते हैं बट उसका रियल उसका असली नाम है मरुधर सिंह शेखावत नहीं नहीं वो करनी सेना से नहीं है अगर आपको लग रहा है वो ऐसा उसका कोई रिलेशन नहीं हाँ वो राजपूत जरूर है वो मेरा बचपन से दोस्त है एंड इनफैक्ट मैं उसकी लाइफ का प्रशांत हूँ और वो मेरी लाइफ का प्रशांत है हम दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो दोनों अपनी लाइफ में सुमित हैं बट एक दूसरे की लाइफ में प्रशांत है सो ऐसा जरूर है जी वो मेरा डायलॉग नहीं है वो अभिलाष का कैरेक्टर बोलता है बट आई थिंक आई लाइक टू ऐड टू दैट यार हम ना हम जब फिल्म बनाने निकले थे हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करें एंड आलिया इज वन ऑफ द को राइटर्स ऑफ द फिल्म एंड शी वुड आई थिंक अग्री विद मी कि हमने जो ये स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की स्पेशली आलिया एंड द राइटिंग टीम उन्होंने इसको बहुत कलोकियल दिल्ली में लिखने की कोशिश की विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स तो ये चाहती थी कि जितने कैरेक्टर्स रियल दिखें रियल लगें जैसे शायद दिल्ली के लोग बोलते हैं वैसे बोले और उस सेंस में हमने लिखने की कोशिश की थी so there was never an intention to hurt anyone or somebody's feelings like that. The song says like yeah, वो कहीं मुझे नंगली चेहरे like ये सब जो जी सॉरी मुझे सवाल समझ नहीं आया भाई वो गाना नहीं है सिर्फ याहू है हमारी पिक्चर में हाँ करेक्ट नहीं सॉन्ग्स जो हैं वो तो हमें मतलब क्रिएटेड है वो याहू कोई हमें जंगली याहू इतना न्यूमोनिक है कि कोई याहू बोलता है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है दैट कोई मुझे जंगली कहे बट सॉन्ग में वो चीज़ है नहीं सॉन्ग इज अ प्रॉपर क्रिएटेड ओरिजिनल ट्रैक और दिल जंगली अगर पूछ रहे हैं कि नाम कहाँ से आया वो तो देखो दिल ले ये लेके आई थी जंगली हम इनको रास्ते में मिल गए तो हमने कहा दिल जंगली दोनों को साथ ऐसे रख के मारे सर और दिल जंगली बन गई कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप गुनगुनाना चाहेंगे गुनगुनाना चाहेंगे
देखिए मैं तो एकदम, अगर मैंने गाना चालू कर दिया ना तो आई एम सॉरी ऑल द सिंगर्स, सबका दिल टूट जाएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बट क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो, आपके फोर्स करने पे गा रहा हूं, वरना मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि यार ये देखो टी सीरीज वाले देखेंगे, जी म्यूजिक वाले देखेंगे, सोनी वाले देखेंगे, फिर मुझे साइन कर लेंगे, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं अपना एक्टिंग करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, बट ओनली फॉर यू बेबी, हियर इट गोज। गजब का है दिन देखो जरा ये दीवानापन, सोचो जरा हम ये अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, तो जब अकेले अकेले 16 फेब को आओ कसम से, दिल जंगली देखने के लिए 16 फेब को आ रही है क्या? दिल जंगली ऐसी रोकते हैं लोगों को गाने से, ये लगे रहे 16 फेब दिल जंगली बोल क्या, क्या कौन सी फिल्म आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी। ये साकिब सलीम करके एक एक्टर है, बहुत अच्छा है, मैंने सुना है बहुत अच्छा है, बस साकिब सलीम पे ही आई एम सोल्ड, मैं तो जा रहा हूँ 16 फेब को पिक्चर देखने, आप देख लो अपना, कम टू द थिएटर्स, कम ऑन। चीज़ है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिसफुल, मुझे हर किसी का एक्सपीरियंस तो पता है नहीं कि कैसी तकलीफें या क्या व्हाट दे फेस, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है चाहे स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग टेबल तक, म्यूजिक तक, रिलीज तक, इट हैज़ बीन ग्रेट, इंक्लूडिंग माई एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी। पहले एक्टर्स का नाम दिया, अगर आपने नोट किया होगा तो पहले एक्टर्स ने, वी एक्सेप्शनल, वी आर एक्सेप्शनल, ये मेरे साथ बैठे हैं इसलिए मुझे करना पड़ा, नहीं तो वैसे स्क्रिप्ट के बाद तो प्रोड्यूसर्स ही। ओ जैकी, जैकी ने सुन लिया। ओके, जैसे कि सारी सारी कास्ट है, सारी जितने भी तापसी यहां पे नहीं है, वो क्यों नहीं है? वो आप तापसी से सवाल पूछो, जवाब देंगी, आप पूछ के देखो, कोई भी तापसी के रिलेटेड सवाल पूछो, आपको एक आवाज आएगी। अरे एनीथिंग, एनीथिंग, आस्क। ओके, तापसी कहां है इस टाइम? अरे यार, राइट नाउ शी शूटिंग फॉर मनमर्जिया, नो शी शूटिंग फॉर समथिंग डाउन साउथ, शी इज डूइंग अ साउथ फिल्म, शी इज गॉन फॉर दैट, बट वो हमसे ऑडियो पे जुड़ी हुई है, आप एक बार सवाल पूछ के देखो, देखो जवाब मिल जाएगा, पूछो आप इस पे, इसका क्लोजअप लीजिए और सवाल इनसे पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ओके दाची, कैसा था आपके साथ साकिब के साथ काम करने का? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पीठ पे चढ़ी हुई थी पूरे टाइम पर इनके, बड़ा मजा आया, ओ हो हो हो, बड़ा स्ट्रांग है साकिब ना, बड़ा स्ट्रांग है, उसने मुझे संभाल लिया, आई लव योर ब्लू ब्लू, साकिब ने बनाया ब्लू, आपने बनाया। थैंक यू तापसी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब आपके पास वापस आएंगे अगर हमारे पास आपके लिए और कुछ सवाल होते। देखो अभी वहाँ वहाँ हैदराबाद से प्रमोट कर रही है पिक्चर, यार और क्या जान लोगे बेचारी की। हाँ बहुत बड़ा गिफ्ट है, मतलब गिफ्ट नहीं कहूंगा मैं, आई वोंट से गिफ्ट, बट आई एम सेइंग दिस फिल्म इज अनदर रीजन फॉर मी टू, फॉर अस टू सेलिब्रेट लव, बिकॉज सबसे यूनिवर्सल इमोशन दुनिया में प्यार होता है, एंड आई थिंक हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन वैलेंटाइंस डे बट हर दिन, और बाय लव आई डोंट मीन कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे, बट हर इंसान से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, ये जो इमोशन है इसको सेलिब्रेट करिए। एंड आल्सो इस साल की फर्स्ट लव स्टोरी इज आस, ओह लवली, आई डिड नो दैट, जंगली दिल जंगली, सो हम आपको दिल जंगली का एक वो बताते हैं, ये होता है दिल, आप इसको जंगली कैसे बनाते हैं, जंगली ये सीन खड़े हो जाते हैं ना दिल के, जंगली हो जाता है वो ऐसे, दिल जंगली, वी डू इट वंस मोर टुगेदर, वन दिस दिल जंगली, दिल मैं अपने फैंस से ये कहना चाहूंगा कि यार बड़े टाइम बाद ना मैं एक बहुत खुश पिक्चर लेके आया हूँ जिसमें कोई रो नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहे, सो आई थिंक और सब प्यार कर रहे हैं, और एक दोस्ती के ऊपर पिक्चर है, मोहब्बत के ऊपर पिक्चर है, बट हमने ना इस पिक्चर को किसी मेलोड्रामा के बिना बनाया, हमने इसको जितना रियल, जितना आजकल की डेट में जैसी मोहब्बतें होती हैं उस मोहब्बत पे पिक्चर बनाई है, सो आइए एंजॉय करिए हमारे साथ, 2 घंटे आपकी और हमारी डेट है, जो बाहर की टेंशन है उनको भूल के आइए, आई प्रॉमिस जब आप बाहर जाएंगे तो आपकी बाहर की टेंशनें थोड़ी कम होगी, पर जिनकी शादी हो रखी है वो बाहर की टेंशन लेके आए, वाइफ के साथ आना, ऐसी कोई दिक्कत यार। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू। Global Advertiser
for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.